तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेबअब एंड्रॉइड गेमर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सॉरी कि ये वीडियो लेट है। और इससे पहले मैं आज ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जीटी सैन एंड्रियास के ऊपर, तो मैं सोचा जीटी सैन एंड्रियास का मॉड भी आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करा दूँ। तो देन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ जीटी वी लेगेसी मॉड पैक। ये मेरा मॉड पैक नहीं है, है मॉडिंग गुरु जी का। तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे मॉड्स बना देते हैं। और मैंने अपनी डीपी चेंज कर दी है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये मेरी फाइनल डीपी अब से यही रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। एंड अभी मेरे इंट्रो का पता नहीं है कि मैं इंट्रो नया बना सकता हूँ या फिर वही रख सकता हूँ। तो अगर जो आपको नया इंट्रो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, मैं अगली वीडियो में अपना नया इंट्रो यूज़ कर लूँगा। एंड आप छोटा सा भी इंट्रो देख और तो और इस मॉड पैक में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने रिप्लेस कर दी गई हैं। इस मॉड पैक में कोई भी आपको पुरानी चीज़ नहीं मिलने वाली, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, नई की नई मिलेगी। जैसे कि हर कार आपको रिप्लेस मिलेगी यहाँ पे, हर ट्रक रिप्लेस मिलेगा, हर प्लेन, हर हेलीकॉप्टर, हर शिप एंड हर बाइक, और यहाँ बाइसिकल्स भी आपको रिप्लेस मिल जाएंगी। एंड आपको यहाँ मिशन्स मिल जाएंगे बहुत सारे, उन्होंने अलग से मिशन भी ऐड कर दिए हैं। और मैं इसमें आपको एक नया चीट देने वाला हूँ जिससे आपके इन्फर्टेड हेल्थ रहेंगे, मतलब आपकी हेल्थ कभी कम नहीं होने वाली। अगर जो पुलिस आपको पकड़ लेगी, अगर जो आप कार में बैठे हैं तो पुलिस आपको पकड़ लेगी तो ही आप मर सकते हो, वरना आप मर नहीं सकते। और अगर जो आपको देखना है कि हम चीट कैसे इंसर्ट करें इस मोड के अंदर या जीटी सैन एंड्रियास के अंदर, तो आप मेरी जो आज मैंने वीडियो अपलोड करी थी जीटी सैन एंड्रियास की, आप उसको देख सकते हैं जाके। देन आप उसे देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगी कि आप चीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक कमेंट डिस्क्रिप्शन में एक चीट दे दिया है, तो आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। एंड ये इसका भी साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ 900 MB में ही मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। और तो आप कहीं भी मत जाइएगा, इसके इंस्टॉलेशन से देख के गेम प्ले तक आप देख के जाइएगा। अगर जो आपने बीच में छोड़ दिया तो इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप इस गेम को नहीं चला पाओगे। तो इस गेम में बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करने पड़ सकते हैं आपको। एंड अगर जो आपको मेरी वीडियो में कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप मॉडिंग गुरु जी के वहाँ पर जाके जी टी वी लगेसी मॉड की मॉड पैक की उनकी वीडियो देख सकते हो। तो देखते हैं इसकी इंस्टॉलेशन से लेके डाउनलोडिंग तक मेरे एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। आप ZiKiver एप्लीकेशन को ऑन कर लेंगे। मैंने इसका रिव्यू अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत वीडियो में बता चुका हूँ मैं अपने वीडियोज़ में। तो आप वहाँ उस फोल्डर में चल जाएंगे जिसमें आपने डाउनलोड करे। जैसे आप सामने देख सकते हो तो ये दोनों वो फोल्डर्स हैं, एक है 595 का और सेकेंड है 280 का। तो आप इन दोनों को अब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट फोल्डर पे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस व्यू करेंगे और इस फोल्डर को कॉपी कर लेंगे, डिवाइस एंड्रॉयड डाटा मिला के पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपसे ये ओवरराइड का ऑप्शन मांगे तो ओवरराइड कर देंगे। एंड यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड आप वही लिखेंगे जो मैं अब लिख रहा हूँ। पासवर्ड है BYMG, मैं ये पासवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए लिख दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने पहले से ही करा हुआ है तो मैं अब नहीं करने वाला हूँ। तो आप अब सेकेंड में जाएंगे और फिर डाउनलोड फोल्डर में और फिर से सेकेंड फोल्डर को व्यू करेंगे। और यहाँ पे आपको 4 फाइल मिल जाएंगे, आप इन्हें यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जिसमें कर लेता हूँ। और आप वापस ले जाएंगे डिवाइस एंड्रॉयड डाटा तो .com/rockstar.gts से फाइल txv, आप यहाँ txv के फोल्डर में जाएंगे एंड यहीं पे लाके पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पहले से ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं नहीं करने वाला हूँ। तो आप यहाँ जाएंगे GTA 3 के फोल्डर में, आपको यहाँ रीनेम करना होगा, जैसे कि GTA 3 GTA ANG और TXD के फोल्डर में आपको रीनेम करना होगा अपने GPU के हिसाब से। अगर जो आपको नहीं पता है कि आपका GPU कौन सा है तो आप GPU Z से आप पता लगा सकते हैं कि आपका GPU कौन सा है। तो अगर जो आपका माली हो तो आप ETC रहने देंगे। एंड अगर जो आपका एंड्रॉइड ना हो तो आप DXD कर देंगे और PowerVR हो तो VPR कर देंगे। तो यहाँ VPR कर देंगे, बट मेरा तो माली है तो मैं यहाँ पे ETC रहने देता हूँ। ओके, यहाँ इस इन तीनों पे करना है हमें, जिन जिन पे मैं टैप कर रहा हूँ सिर्फ इन पे करना है हमें, यहाँ पे भी इस पे।
और इन पे, इन तीनों पे करना है आपको स्टार्टिंग्स के 3 पे। तो देन आप यहाँ से बैक आ जाएंगे, आपका काम इस वक्त हो चुका है ख़त्म और आप अपने सिंपली आप ऑन कर लेंगे CPUZ एप्लीकेशन। और यहाँ पे आप को अगर नहीं पता होगा तो आप पता लगा सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे Mali-T720 लिखा हुआ है GPU सेंटर, तो मेरा माली है, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। और आपका यहाँ काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अपने अपने GPU के हिसाब से अपने रीनेम करें और अब अपना GTA San Andreas ऑन कर लेंगे। तो शायद अभी रुक जाइए एक मिनट, मैं बैक करके दोबारा चलाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा गेम चल चुका है, बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स में है। मैं यहाँ पे एंड्रॉयड गेमर का गेम प्ले यूज़ वो एंड्रॉयड गेमर का GTA San Andreas यूज़ कर रहा हूँ जो उन्होंने डेवलप्ड किया है अपने आप ही। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा गेम यहाँ चल चुका है। तो अगर जो आप अपना गेम चलाएं तो आप न्यू गेम करें, मैं इसे खेल रहा हूँ तो इसलिए रिवाइंड कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने रिवाइंड कर दिया, तो यहाँ थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी इसकी, तो इसको आप होने दें। तो आपका गेम यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से चल चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज आपको रिप्लेस मिल रही है, कितनी अच्छी ग्राफिक्स है ये। अगर जो आपका 2GB रैम है, 3GB रैम है आपके फोन में, तो आपके बहुत ही अच्छी ज़्यादा ग्राफिक्स के साथ ये गेम चल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चलता है ये। एंड अगर जो आपका 1GB रैम वाला है तो आप पहले ये देख लें कि आपके GTA San Andreas विदाउट लैग चल रहा है, तो आप इसे रखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं GTA V ग्राफिक्स का एक चीट, आप उसे ऑन करके अपनी ग्राफिक्स को और भी एडवांस कर सकते हैं। तो मुझे यही ग्राफिक्स पसंद है, तो मैं अभी इसे ही रख लूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको हर एक चीज़ रिप्लेस मिल रही है, जैसे कि कितनी अच्छी अच्छी तो आपको यहाँ पे कार्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम कार ले लेते हैं, एंड आप यहाँ देख सकते हैं मेरी जो लाइफ लाइन है रेड कलर की, उसके नीचे एक वाइट लाइन है। जब तक वो वाइट लाइन ही ख़त्म नहीं होगी तो हमारी रेड लाइन भी ख़त्म नहीं होगी, और वो वाइट लाइन कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो जब भी आप गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी कभी ब्लास्ट नहीं होगी, जब भी आप बैठे होंगे ध्यान से देखना, क्योंकि अगर जो आपने एक भी सेटिंग मिस कर दी तो आपका गेम शायद से लैग कर जाए। एंड मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो आपका गेम चलाने पर लैग कर रहा है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये 3 से 4 बार आपका लैग करेगा। अगर जो एक बार ये फिट हो गया तो आपके बिल्कुल ही 100% बहुत ही अच्छी तरह वर्क करेगा। मेरे में भी ये 3 बार लैग करा था, उसके बाद आप देख सकते हैं अब कितनी अच्छी ज़्यादा ग्राफिक्स के साथ मेरा चल रहा है। आप अगर जो जैसे मेरी सेटिंग्स अगर जो ऐसे कर लेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह गेम चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये मॉड पैक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरे पास एक और मॉड पैक आगे जो आप मुझे कमेंट में करके बता देंगे कि, तो मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो इसके साथ गुड बाय, सी यू। और वीडियो को शेयर कर देना। इसी के साथ गुड बाय।